इसका मतलब मोंटू रोहित केवल यश का नाम लेकर हमें लड़वा रहे थे। हाँ। कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब आगे से अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, राइट? राइट। सचिन मानव। बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ पापा हम ठीक हैं। बच्चों यहाँ पे रुकना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, चलो हम सब लोग सबके बीच चलते हैं। और तुम्हें पता है बालवीर भी आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब बालवीर आ गया है, अब हमारे लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस हाथी के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब बालवीर हाथी से लड़ रहा है। चलो चलो बच्चों, चलो यहाँ से चलो चलो चलो। महावजरी मैं आपसे विनती करता क्या बच्चों पे वार ना करे। अगर मुझे मेरा पुत्र नहीं मिलेगा तो पृथ्वी लोक पे भी कोई बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। पर इसमें बच्चों की क्या गलती, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है महावजरी? मेरे बच्चे ने रानी परी का क्या बिगाड़ा था, क्यों अपनी कैद में रखा है उसे रानी परी ने? देखिए महावजरी, आपका पुत्र गज्जू रानी परी के पास नहीं है, आप गलत सोच रही। मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मैंने जो देखा है वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए बालवीर, अगर तुम्हें बच्चों को मुझसे बचाना है तो जाओ और मेरा पुत्र वापस लेकर आओ। खबरदार महाकाश जी, अगर आपने फिर से बच्चों पे वार करने की बात की तो, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं ऐसा करके रहूंगी बालवीर, और इस बार तुम भी नहीं रोक पाओगे मुझे। सारी जानकारी उसे, चलो देखता हूँ फटाफट कि क्या विनाश लीला की है महागजरी ने। महागजरी आप चाहे मुझ पे जितने भी वार कर ले, लेकिन फिर भी मैं आप पे वार नहीं करूंगा, पर आप बच्चों को कुछ मत कीजिए। पृथ्वी लोक के बच्चों की इतनी चिंता बाल में, और मेरे बच्चे की बिल्कुल चिंता नहीं है तुम्हें? नहीं महागजरी, ऐसे ही बच्चों पे भी वार करूंगी मैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महागजरी। अपने गुस्से को दो पल भूलकर सोचिए महागजरी, क्या हम आपके पुत्र के साथ ऐसा कर सकते हैं? तुम बच्चों पे वार कर रही हो तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आप पे वार नहीं किया, क्योंकि आप निर्दोष है और उसी तरह ये बच्चे भी निर्दोष है, और इसलिए आप इन पे वार मत कीजिए महागजनी। आज शब्दों की दीवार के पीछे छुप नहीं पाओगे तुम बालवीर, अगर इतना प्यार है बच्चों से तो रानी परी से कच्चू को वापस ले आओ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा करोगे नहीं, इसीलिए मैं अपनी लड़ाई अपने तरीके से ही लड़ूंगी। देखिए महाकाशी, क्या बॉस आप इतने छोटी मोटी बातों पे डर जाते हो, ऐसे डर के भागे थे आप वहां से? हाँ, और उसी में मानव और सचिन को भी हमने वही छोड़ दिया। तो क्या करता मैं?
क्या क्या फिर से पहन जरा मतलब उस हाथी के सामने खड़ा हो जाता अब समझ में आया तुम्हारा दर्द कैसा दर्द कैसे रोज एक हाथी के सामने खड़े रहते हैं ये सोचो इतना बड़ा हाथी कहाँ से आया होगा घर से किसके घर से अरे हमें क्या पता आप किसके घर से आते हो अगर मुझे उस हाथी का डर नहीं होता ना तो तुम दोनों को ये अपने पैरों के नीचे कुचल देता तो समझ में नहीं आ रहा कि उस हाथी से डर है या इस पागल हाथी से बस ये गलत है बोला ना चुपचाप बैठ पहले मुझे देखने दो कि वो इतना बड़ा हाथी यही कहीं तो नहीं है ना हाथी ओ हाथी हाथी अरे हाथी यही है हाथी 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 बस इधर है एक काम ढंग से नहीं होता साला काम मुझे ही करना पड़ता है डरपोक कहीं के हाथी हाथी आदि 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 हमें आदि से बचाओ बचाओ अरे उस आदि से बाद में बचेंगे पहले हमें कोई इस आदि से बचाओ अम्मा से उठो बस नहीं मैं नहीं उठूंगा वो आदि यही है अरे बस उठो वरना हम उठ जाएंगे वो आदि की आवाज हमने निकाली थी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालात यहाँ कितने ही खराब है सभी बच्चों के पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं और बच्चे भी कितने डरे हुए लग रहे हैं लगता है यहाँ बहुत ही ज्यादा टेंशन हो चुकी है आइए हम यहाँ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ था अरे बच्चों ठीक हो शुक्र है भगवान का थैंक गॉड तुम लोग सब लोग ठीक हो गजानन हम लोग सब घबरा गए थे घर में न्यूज देखी कि हाथी स्कूल में आ गया है लेकिन बच्चे अब सब ठीक है मैं चाहता था एक ना एक दिन हाथी जरूर स्कूल में घुस जाएगा है? अंकल अगर आपको पता था तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं 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 मेरा मतलब है बेटा कि जाने दो बच्चों जाने दो रुको मेरे को फोन कर लेता हूँ घर पे नहीं तो वहाँ पे वो लोग बहुत टेंशन में हैं उस हाथी ने पूरे स्कूल में आतंक फैला दिया है उस हाथी की वजह से बच्चे खतरे में पड़ गए हैं हे भगवान हमारे बच्चों की रक्षा कर महेश को गए भी कितना टाइम हो गया हेलो हाँ बाबूजी महेश बोल रहा हूँ बोलो बोलो यहाँ बच्चे सब सुरक्षित है ठीक है आप फिक्र मत करना रीता शुभांगी बच्चे ठीक है देवा तेरा शुक्र है मैं तुझे 100 नारियल चढ़ाऊंगी 2 किलो बर्फी भी चढ़ाऊंगी और चांदी की छतरी भी चढ़ाऊंगी महेश तू गजानन और बच्चों को लेके आ जा यहाँ शुभांगी मन्नतों की लिस्ट बना रही है बाबूजी हेलो महेश स्कूल से हाथी गया नहीं स्मिता हाथी यही है स्कूल में ही है लेकिन हम लोग सब यहाँ सुरक्षित है बच्चे सही सलामत है तुम फिक्र मत करना मैं बच्चों को लेकर आता हूँ ठीक है बच्चों को लेकर जल्दी आ जाइए महेश बच्चों को लेकर घर पर आ हेलो अंत भला तो सब भला बस बच्चे और गजानन महेश सब ठीक से घर पहुँच जाए चलो 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 सब सब ठीक हो गया अब घर जाके सब आराम से बैठते हैं ना देखिए हम लोग इस इलाके को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि वो हाथी यहाँ से बाहर ना जा सके महागजनी ने पृथ्वी लोग जाकर बच्चों में डर पैदा करके सारी सीमाएं लांघ दी है हाँ रानी परी हमारे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि महागजनी खुद एक माँ होकर दूसरे बच्चों पर आक्रमण करने का सोच भी कैसे सकती है महागजनी तो खुद सच्चाई और अच्छाई की साथी है फिर वो बच्चों के ऊपर आक्रमण कैसे कर सकती है गुस्से में वो सही और गलत का अंतर समझ ही कहां पा रही है हाँ और इसलिए हमें डर है कि महागजनी अपने गुस्से में सचमुच किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए
रानी परी डरी परी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बालवीर है बच्चों के साथ और हमें पूरा भरोसा है कि बालवीर किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचने देगा। लेकिन रानी परी, बिना अपने शक्तियों का प्रयोग किए और बिना महाकशनी पे वार किए कैसे रोकेगा बालवीर महाकशनी को? बाल पर खतरा है क्या? अरे नहीं रे, सिर्फ एक आइटम बम है जो हमारे साथ चल रहा है। चुप। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? बॉस, सबसे ज्यादा आप ही चिल्ला रहे हो। चलो। वैसे बॉस, हम जा किधर रहे? पिज़्ज़ा खाने? हाँ? नहीं, तुम्हें हाथी को खिलाने। पर एक बात कहो बॉस, इससे उस हाथी का पेट नहीं भरेगा, तो बेटर ये होगा कि वो पहले आपको खाए। एक काम करता हूँ ना, तू आ, सबसे पहले तुझे ही डाल दो हाथी के मुंह में। अरे चल। नहीं नहीं बॉस। हर बार डरना बंद करो, वरना आपकी वजह से इस पार्टी से पहले हम आपके पैर के नीचे दब जाएंगे। केवल मुझे लगा वहाँ वो। अरे कुछ नहीं है वहाँ, हम सबको ऐसे ही डरते रहते। चलो मैं लेके जाऊँ। अरे केवल, वहाँ सचमुच कोई हुआ तो? एक कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। क्या शेर था? चल। कितने डरपोक हो तुम लोग, ये देखो। देखा, कुछ भी तो नहीं है। अरे तुम लोग काप क्यों रहे हो? तुम लोग मेरे से डर रहे हो? अरे मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पीछे। मेरे पीछे? मेरे पीछे कुछ नहीं है। बेवकूफ, तेरे पीछे हाथी है। कौन तो बस मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे हाथी है। अरे केवल, तेरे पीछे मोंटू बॉस से भी बड़ा हाथी है। क्या सच कह रहा है तू? अरे मोंटू बॉस की कसम खा। अरे केवल, तुझे पता है ना मैं बेकार की चीजें नहीं खाता। हाँ पीछे देख। बच गए। हाँ। और ना आज तो हम उस बड़े हाथी के पैर के नीचे दब जाते। लेकिन मोंटू बॉस, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको भागने की जगह हमें उससे बचाना चाहिए था। हाँ बॉस, एक हाथी को दूसरा किसी क्या डरना। हाँ। आप तो उसके बेटे जैसे हो। हाँ। तो उसे आराम से मना लेते। अच्छा तो ठीक है, आओ आओ मैं आती। हाँ। तो मेरे पापा का मैं फर्ज पूरा कर देता हूँ, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे नहीं बस, सॉरी। हाथी कहाँ पे? बस इसके कहने का मतलब है कि वो पागल आदमी फिर से आए, उससे पहले हम स्कूल के दूसरे रास्ते से भाग जाते। हाँ चलो। जाइए, हम इसे देख लेंगे। हाँ
कुछ असर ही नहीं हो रहा। बच्चों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और हमारे साथ भागो, भागो! अरे यहाँ तो रास्ता ही नहीं, उधर भागो, चलो जल्दी भागो, भागो जल्दी, चलो बेटा चलो। सलोनी भी बैठ जाएगी, तू बैठ। अरे पापा सलोनी अपन नहीं है। सलोनी का चलो जल्दी से जाकर देखते हो। चलो 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 सलोनी के आगे बोल। अरे अंकल वो सलोनी नीचे गिर गई है और वो बड़ा हाथी उसके पास है। चलो 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 कहीं दिख तो नहीं रहा मुझे यहाँ कहीं भी विनाश। अरे इसी चक्कर में लग गई मुझे चोट और हो रहा था मेरा विनाश। कहीं आकर परियों के पापों में चली तो नहीं गई वापिस। बालवीर पर है कोई यहाँ पड़ा हुआ ऐसे? है लगता मुझे है कर दिया महागजनी ने बालवीर को सवार। खुश हो जाएगी परी भयंकर ये खबर सुन के कि करना सकी वो जो आज तक कर दिया आज वो महागजनी ने। तबा तबा यहाँ अभी जाकर देता हूँ ये खबर परी भयंकर को। जाने से पहले देख लेता हूँ एक बार और कर लेता हूँ पक्का कि हुआ है बालवीर समाप्त कर दी। बालवीर अरे गया कहाँ ये था अभी तो यही। तबा तबा अरे हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आया था यहाँ देखने विनाश, अब होगा मेरा नाश। भाग भाग तो बात बाप। सलोनी 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 पापा सलोनी सलोनी। अरे वो हाथी तो सलोनी के एकदम पास पहुंच गया है। पापा बचाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सलोनी के पास। नहीं 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 गजानन, तू वहाँ जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये हाथी हमारी सलोनी को नुकसान पहुँचाएगा, हमला कर देगा। महेश लेकिन यहाँ खड़े खड़े मैं देख ही तो नहीं सकता सलोनी। बेटा मैं आ रहा हूँ। नहीं गजानन तू थोड़ी देर रुक जा, हो सकता है कि हम उस हाथी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारी सलोनी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना? रुक जा सलोनी बेटा, सलोनी बेटा जिंदाबाद कर ले, मैं हूँ यहीं पर सलोनी बेटा।